दोस्तों आप हमारे चैनल पे जिसका नाम एसके एडवांस इन्फो है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो भी ICICI बैंक KYC कर रहा है तो आखिर उसे प्रॉब्लम क्या आ रही है। ओके, तो इसके बारे में हम आपको इन डिटेल समझाने जा रहे हैं कि आखिर क्या इश्यूज हैं। ओके, और अगर आपने अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो आप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात, अगर आपको भी PF कंसल्टेंट बनना है और अगर आपको अपने नॉलेज इन्हांस करना है और हम अपनी इनकम को डबल करना है तो इसके लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम 1-to-1 सेशन देते हैं। ओके, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं आप लोगों को और सिखाते हैं A to Z अबाउट PF कंप्लाइंसेस। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको भी PF कंसल्टिंग की नीड है, रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर आपको सॉल्यूशन जानना है और आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पेड कंसल्टिंग चार्जेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कहें, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि जिन्होंने भी ICICI बैंक KYC सबमिट किया है तो उसके KYC क्या हो रही है कि वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस वहाँ पे शो कर रही है, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। ओके, अभी क्या हो रहा है कि जैसे आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा है कि इसे डिलीट कर सके। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डिलीट का भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आई होप आप देख पा रहे हो। देखिए, डिलीट का भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। काफ़ी लोग में जो 15 डेज हो गए, 20 डेज हो गए, 1 मंथ, उनके केस में 14 सितंबर को अपडेट किए थे, बट स्टिल इनका वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस आ रहा है, जैसे मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। ओके, तो अभी क्या करना होगा इसके रिगार्डिंग, पहली बात। ओके, अभी इश्यूज, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन इन के बजाय